दोस्तों, अगर आप सभी ने इस वीडियो के थंबनेल को देखकर क्लिक किया है तो इसका मतलब यह है कि आपको मैथ अच्छी नहीं लगती या फिर आप मैथ में थोड़े बहुत वीक हो और आप भी चाहते हो कि मैं अपनी मैथ को इम्प्रूव करूं पहले से। एंड हो भी क्यों ना, क्योंकि मैथ एक लिटरली ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगता है देख, एंड मैक्सिमम लोग इसे फेस नहीं कर पाते अच्छे से क्योंकि उन्हें मैथमेटिक्स को लर्न करने के लिए एक अच्छा स्टडी मेथड नहीं पता। सो इसलिए आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको लिटरली ऐसे टिप्स दूंगा जिससे आपका मैथमेटिक्स पहले से इम्प्रूव हो जाएगा और आप मैथमेटिक्स में पहले से ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट करने लग जाओगे। सो सबसे पहले तो जब भी आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़ते हो मैथमेटिक्स की, तो उसमें सबसे पहले एग्जांपल्स आपको दिए जाते हैं किसी भी एक्सरसाइज से पहले, एंड आप चाहे किसी भी स्टैंडर्ड में हो वो आपको एग्जांपल्स जरूर मिलते हैं। सो ट्राई करो कि आप वो इन एग्जांपल्स को ज्यादा प्रायोरिटी दो, क्योंकि जो एक्सरसाइज होती है वो स्टार्टिंग में इजी होती है और एंडिंग में जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा हार्ड हो जाते हैं, लेकिन जितने भी एग्जांपल्स होते हैं वो आपके लिए एवरेज लेवल के लिए बनाए जाते हैं। सो आप ट्राई करो कि आप एग्जांपल सॉल्व करो ताकि आप पूरी एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओ। देन ट्राई करो कि आपके जितने भी मैथमेटिक्स डाउट है वो सारे क्लियर रहे, क्योंकि मैथ ही एक इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें डाउट क्लियर करना बहुत ज्यादा ईजी है बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में। एंड जैसा कि आपको पता है कि मैथमेटिक पूरा फॉर्मूले इस पे डिपेंड होता है, सो जितना ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होंगे उतना ज्यादा आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। सो इसलिए आप ट्राई करो कि आप फॉर्मूले ज्यादा याद करो, एंड इवन आप कहीं पे लिख कर प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर्मूले की ताकि आपको ज्यादा समय के लिए याद रहे वो। देन किसी भी फॉर्मूले के डेरिवेशन को आपको समझ के लर्न करना है ताकि वो भी आपको लंबे समय तक याद रहे, और अगर आपको डेविएशन याद होगा तो आप फॉर्मूले भी इजीली याद हो जाएंगे क्योंकि आपने वो समझ कर याद करें। एंड किसी भी स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होती है, मतलब बेसिक से स्टार्ट होती है और हार्ड तक जाती है। सो इसलिए बेसिक्स के साथ ज्यादा कनेक्ट रहना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज का बेसिक्स हमें उसके ज्यादा अच्छे से याद रहता है और बेसिक्स बहुत ज्यादा ईजी होता है। अगर आपको किसी भी लेसन और किसी भी कॉन्सेप्ट का बेसिक याद रहेगा तो आगे की चीजें आपको याद करने में ज्यादा इजी होगा। देन बहुत से लोग ट्राई करते हैं कि एक शेड्यूल भी बनाते हैं, अगर आप चाहो तो आप शेड्यूल भी बना सकते हो, बट ट्राई करो आप ज्यादा शेड्यूल पर डिपेंड ना रहो, आप अपने मन से किसी भी काम को करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। एंड ये बात तो आपको पता होगी कि अगर हम किसी भी चीज को जितना ज्यादा क्लियर रखते हैं तो वो हमें उतनी अच्छी तरीके से याद होती है और उतना अच्छी तरीके से हमारा ब्रेन उसे अटेंड करता है। सो इसलिए अपनी मैथमेटिक्स नोटबुक ज्यादा क्लियर रखा करो, एंड उसका कंटेंट इतना ज्यादा क्लियर होना चाहिए कि आपको देखते ही याद हो जाए। एंड नोटबुक को ज्यादा डेकोरेट भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी हमें माइंड से डिस्ट्रैक्ट करती है। देन आपको पता है कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कितना ज्यादा लेंथी होता है, उसमें ज्यादातर बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा लेसन होता है, एंड ज्यादातर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम जरूर आती होगी कि जब भी आप आगे के लेसन याद करते हो तो पीछे के ज्यादातर भूल जाते हो। मींस अगर आपका सिलेबस 12 लेसन तक चल रहा है तो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड लेसन ज्यादा स्ट्रांगली याद नहीं होंगे। तो इसलिए ट्राई करो कि जब भी आप आगे के लेसन याद करो तो एक बार पीछे के लेसन भी जरूर रिवाइज करना, जिससे आपको पूरी बुक हर समय याद रहे। एंड जब भी आपको कोई क्विज या टेस्ट देखने को मिले लाइक मैथमेटिक्स और फिजिक्स से जुड़ा हुआ, तो आप उसे जरूर अटेंड करना क्योंकि उससे आपका IQ जरूर बढ़ेगा और वो भी आपको काम जरूर आएगा। एंड अगर आप कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो सो सिंपली आप ऑनलाइन बहुत सी ऐसे कैलकुलेशन ट्रिक्स है जो कि आप देख सकते हो, एंड ऑनलाइन आपको हजारों ऐसे ट्रिक्स मिल जाएंगे जिससे आपकी कैलकुलेशन स्पीड और भी ज्यादा तेज और रिलायबल हो जाएगी। मैथमेटिक्स एक ज्योमेट्रिकल सब्जेक्ट भी है, सो इसलिए आप ट्राई करो कि आप अच्छे से अच्छा स्टेशनरी मटेरियल भी यूज करो जिससे आपके ज्योमेट्रिकल लेसन बहुत ज्यादा क्लियर भी रहेंगे। एंड आप मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई करके जरूर देखना, इससे आपका मैथमेटिक्स में और ज्यादा इंटरेस्ट जनरेट होगा। आई नो ये वाली ट्रिक थोड़ी हार्ड है, बट अभी तक की सबसे बेस्ट ट्रिक यही है, और रियल वर्ल्ड में अप्लाई कैसे करना है तो जो लोग डीप थिंकर है उनको ये बात पता होगी, क्योंकि एक इंटेलिजेंट पर्सन अपने फील्ड को रियल वर्ल्ड में भी अप्लाई जरूर करता है। देन सबसे लास्ट टिप यही है कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि मैथ जो है वो हैंड ऑन सब्जेक्ट, इसे आप जितना ज्यादा अपने हाथों से करेंगे उतना ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी, क्योंकि ये बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं है जिसमें आपको लर्न करना पड़ता है। एंड लास्ट में थोड़ा एक बोनस फैक्ट भी आपके लिए, उन लोगों के लिए जो लोग सोचते हैं कि मैथ हार्ड है, सो एक्चुअली मैथ हार्ड नहीं होती, वो सिर्फ दिखती है हार्ड क्योंकि ये हमारा बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी कंज्यूम करती है। एंड बहुत से लोग एक एक क्वेश्चन तक में बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और हमें किसी भी क्लास में इतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता, सो इसलिए बहुत से लोगों को ये बहुत ज्यादा इरिटेटिंग और हार्ड सब्जेक्ट लगता है। बट बिलीव मी, जिन टिप्स को मैंने आपको बताया अगर आप वो अप्लाई करते हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। एंड अगर आपको इनमें से एक भी टिप्स अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस मिलते हैं इसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।